चाइना टाउन में लगातार हत्याएं हो रही थी और पुलिस उस कातिल की तलाश में लगी थी। तभी थाने में एक नौजवान वहां के इंस्पेक्टर से मिलने आता है। इंस्पेक्टर को वो अपना नाम ब्योमकेश बख्शी बताता है और वो कहता है कि चाइना टाउन में हो रही हत्याओं के मामले को सुलझाने में मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। इंस्पेक्टर उससे पूछता है कि क्या तुम कोई पेशेवर जासूस हो। ब्योमकेश कहता है, नहीं, ये समझ लीजिए कि ये मेरा पहला केस है। इंस्पेक्टर उसकी ये बात सुनकर पहले तो मना कर देता है, लेकिन फिर मान जाता है क्योंकि पुलिस भी इस मामले को काफ़ी दिनों से सुलझा नहीं पा रही थी। ब्योमकेश कोलकाता से यहाँ आया था, इसीलिए वो अब रहने की जगह तलाश करने लगता है। रहने के लिए जगह ढूंढते ढूंढते वो एक डॉक्टर के पास पहुँचता है और उस डॉक्टर से भी रहने के लिए जगह पूछने लगता है। डॉक्टर उस लॉज का मालिक होता है और वो मना कर देता है। वहीं उसकी मुलाकात अजीत नाम के एक व्यक्ति से होती है जो कि पेशे से एक राइटर होता है। ब्योमकेश उससे कहता है कि यहाँ के कमरे काफ़ी बड़े हैं, एक कमरे में दो लोग तो आराम से रह सकते हैं, मैं तुम्हें इस कमरे का पूरा किराया दे दूंगा। अजीत उसकी बात मान लेता है। जब ब्योमकेश अपना सामान उसके कमरे में शिफ्ट करने लगता है, तब आते वक्त फुटपाथ पर ही उसे एक और लाश दिखाई देती है। उसके चारों तरफ भीड़ लगी होती है और पुलिस भी वहीं होती है। ब्योमकेश उस लॉज में पहुँच कर ये सारी बात अजीत और उस डॉक्टर को बताता है। डॉक्टर कहता है कि ये यहाँ पर नॉर्मल बात है, हर दिन यहाँ पर कोई ना कोई हत्या होती ही रहती है। और डॉक्टर बताता है कि मैंने ये सुना है कि यहाँ कोई ड्रग्स का धंधा कर रहा है और यहाँ के गरीबों को ड्रग्स की सप्लाई का काम दिया जाता है और जब उनका काम पूरा हो जाता है तब उन्हें मार दिया जाता है ताकि वो आदमी किसी और को इस काम के बारे में ना बता सके। वो तीनों इसके बारे में बातें कर ही रहे होते हैं कि ब्योमकेश देखता है कि एक आदमी दीवार के पीछे छुपकर इनकी बातें सुन रहा है। डॉक्टर भी उसे देख लेता है और डॉक्टर उसे आवाज लगाता है। क्या बात है ईश्वर बाबू? कुछ नहीं, ईश्वर भी उसी लॉज में काफी दिनों से किराएदार होता है। जैसे ही डॉक्टर उसे बुलाता है तभी भागकर वो अपने कमरे में चला जाता है। इसके बाद अजीत और ब्योमकेश अपने कमरे में एंटर करते हैं। अजीत उसे वहाँ की बावर्ची से मिलवाता है। ब्योमकेश उससे पूछता है कि इस वक्त लॉज में कौन कौन है। बावर्ची कहता है कि सिर्फ ईश्वर बाबू ही अपने कमरे में हैं, बाकी सब अपने काम पर गए हुए हैं। तब ब्योमकेश उसे तीन चाय ईश्वर के कमरे में लाने को बोलता है। ईश्वर से बात करने पर उन्हें पता लगता है कि वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है और ज़्यादातर टाइम अपना कमरा बंद ही रखता है। इसके बाद अजीत अपने काम पर चला जाता है और ब्योमकेश कमरे में आता है। इस वक्त ब्योमकेश के अलावा उस लॉज में सिर्फ दो लोग और होते हैं, ईश्वर और बावर्ची। इस बात का फ़ायदा उठाकर ब्योमकेश ड्रिल मशीन से अपने कमरे की दीवारों और कमरे के फ्लोर में छेद कर देता है। ताकि उसे साथ लगे हुए कमरों की और नीचे की आवाज़ सुनाई दे सके और बड़ी ही चलाकी से वो उन छेदों को ढक देता है ताकि किसी को पता ना लग सके। डॉक्टर का कमरा ब्योमकेश के कमरे से ठीक नीचे होता है और ब्योमकेश फ्लोर पर कान लगाकर सुनने की कोशिश कर ही रहा होता है कि तभी अजीत आ जाता है और हैरान होकर उससे पूछता है, ये क्या कर रहे हो? ब्योमकेश अजीत को कहता है कि तुम पहले जल्दी से देख कर आओ कि ईश्वर बाबू क्या कर रहे हैं। तब अजीत देख कर वापिस आता है। तभी ब्योमकेश बोलता है, यो, ईश्वर बाबू अपने कमरे में नहीं मिले ना? अजीत बोलता है, हाँ, वो अपने कमरे में नहीं है, लेकिन तुम यहाँ क्यों लेटे हुए हो? ब्योमकेश कहता है कि यहाँ कान लगाकर सुनो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। जब अजीत फ्लोर पर कान लगाता है तो उसे डॉक्टर की आवाज सुनाई देती है, कभी कभी नींद ना आने पर ऐसा हो जाता है, मैं दवाई देता हूँ, खाकर सो जाएंगे। इसके बाद वो दोनों ईश्वर को अपने कमरे में जाते हुए देखते हैं। जब रात को लॉज के सभी लोग साथ में खाना खा रहे होते हैं तब भी ईश्वर बीच में से ही उठकर चला जाता है। रात बहुत हो चुकी होती है और सभी लोग सो जाते हैं और जब सुबह होती है तब भी उनके फिर से ईश्वर बाबू के कमरे में जाता है, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद होता है और आवाज़ लगाने पर भी ईश्वर कोई जवाब नहीं देता। ब्योमकेश सभी लोगों को इकट्ठा करता है और सभी मिलकर दरवाज़ा तोड़ देते हैं और जैसे ही सब अंदर देखते हैं सभी भौचक्के से रह जाते हैं क्योंकि सामने ईश्वर बाबू की लाश पड़ी थी। इसके बाद पुलिस सभी को पूछताछ के लिए थाने में ले जाती है।
जहां डॉक्टर बताता है कि वो काफ़ी समय से डायबिटीज़ का मरीज था और अक्सर बीमार रहता था। शायद इसी वजह से उसने आत्महत्या कर ली। लेकिन ब्योमकेश कहता है कि मैं ऐसा नहीं समझता, क्योंकि ईश्वर बाबू का गला काफ़ी बुरे तरीके से कटा हुआ था और कोई भी इंसान इतने बेरहम तरीके से अपना खुद का गला नहीं काट सकता। जैसे तैसे पुलिस की इंक्वायरी ख़त्म होती है और सभी लोग लॉज में वापस आते हैं और वहां आकर फिर से इसी बात पर डिस्कशन करने लगते हैं। कुछ समय बाद ही पुलिस फिर से वहां आती है और मर्डर के जुर्म में ब्योमकेश को गिरफ्तार कर लेती है। जाते हुए ब्योमकेश अजीत से कहता है, रात होने वाली होती है। अजीत भी अपने कमरे में बैठा बैठा परेशान हो रहा होता है और वो ब्योमकेश के लिए किसी वकील को ढूंढने के लिए जा ही रहा होता है कि तभी ब्योमकेश वहां आ जाता है। उसी के पीछे पीछे डॉक्टर भी उस कमरे में आ जाता है। हालांकि उस समय ब्योमकेश को देखकर दोनों बड़े खुश होते हैं, लेकिन ब्योमकेश कहता है कि मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, कहीं मेरे चक्कर में आपका ये लॉज भी बंद ना हो जाए। पुलिस को मुझ पर पूरा शक है कि हत्या मैंने ही की है। डॉक्टर भी इस पर कुछ नहीं बोलता, लेकिन अजीत कहता है कि रात होने वाली है, तुम सुबह निकल जाना। ब्योमकेश मान जाता है और रात को वो वहीं रुकने का फैसला करता है। रात को अजीत और ब्योमकेश डॉक्टर के पास भाड़े का हिसाब करने जाते हैं और ब्योमकेश डॉक्टर से कहता है, आज खाने के बाद जरा लेटा तो नींद आ गई, उठा तो सर दर्द बढ़ता ही जा रहा है, सोचा कि हिसाब के साथ साथ आपकी दवाइयों का भी इम्तिहान ले लूं। हाँ हाँ क्यों नहीं, बदहजमी से सर दर्द हुआ है, मैं अब भी दवाई देता हूँ। डॉक्टर ब्योमकेश को दवाई दे देता है और साथ ही अजीत को भी दे देता है। डॉक्टर कहता है कि तुम भी ये खा लेना, कहीं तुम्हें भी वायरल ना हो जाए। अजीत और ब्योमकेश अपने कमरे में वापस आते हैं और अजीत दवाई खाने ही लगता है कि तभी ब्योमकेश उसे रोक लेता है और इसके बाद ब्योमकेश अपने बेड पर चद्दर और तकिए की मदद से ऐसी शेप बनाता है जैसे कि कोई इंसान उस पर सो रहा है और अजीत को उसके हाथ में एक डंडा पकड़ाते हुए कहता है कि तुम अपनी जगह पर ही सोना, जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल भी करना। अजीत को कुछ समझ नहीं आता और ब्योमकेश से पूछता है कि ये सब क्या है। ब्योमकेश कहता है कि वक्त आने पर तुम्हें सब पता लग जाएगा, अभी तुम अपनी जगह पर लेट जाओ। रात बीतती जाती है और जैसे ही रात के 1 बजते हैं तभी एक आदमी दरवाज़ा खोलकर एक बड़े चाकू के साथ ब्योमकेश के बेड पर हमला कर देता है। ब्योमकेश कमरे की लाइट ऑन करता है और अजीत के साथ मिलकर डॉक्टर को पकड़ लेता है और ब्योमकेश अजीत से कहता है कि कमरे की खिड़की खोल दो, पुलिस नीचे ही खड़ी है और इशारा मिलते ही पुलिस ऊपर आ जाएगी। डॉक्टर कहता है कि तुम्हारे पास मेरे खिलाफ कोई पक्का सबूत नहीं है, मुझे पैसे की परवाह नहीं है, मैं एक अच्छा वकील ढूंढकर केस जरूर जीत लूँगा। तभी ब्योमकेश पुलिस को वही दवाई देते हुए कहता है कि इसमें जरूर ड्रग्स मिली हुई है और पुलिस उस डॉक्टर को पकड़ कर ले जाती है। दवाई की मेडिकल जांच के बाद उसमें ड्रग्स के सैंपल पाए जाते हैं और डॉक्टर को उम्र कैद की सज़ा सुना दी जाती है। अजीत ब्योमकेश से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता लगा कि इन हत्याओं के पीछे डॉक्टर का ही हाथ है। ब्योमकेश कहता है कि जिस दिन मैं फर्श पर लेटा डॉक्टर और ईश्वर बाबू की बातें सुन रहा था उस वक्त मुझे पता लगा कि ईश्वर बाबू ने 2 दिन पहले ही डॉक्टर को किसी की हत्या करते हुए अपनी खिड़की से देख लिया था और इसीलिए वो 2 दिन से परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये उसका वहम है या सच में डॉक्टर को ही उसने किसी की हत्या करते हुए देखा है। इसी बारे में वो दोनों उस रात बातें कर रहे थे और जब सुबह हम सब ने ईश्वर की लाश देखी तो मेरा शक यकीन में बदल गया। और इस तरह से ब्योमकेश बक्सी ने अपने जीवन का पहला केस सुलझा लिया। ये तो सिर्फ शुरुआत थी, आगे आगे ब्योमकेश बक्सी का किस तरह के खतरों से सामना होने वाला था इससे वो बिल्कुल अनजान थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और इसी तरह की स्टोरी सुनने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। सभी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग कहानी के साथ, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे और गुड नाइट।